Hey guys, it's me. Welcome or welcome back to my channel. So today in this video, I'm gonna be sharing with you guys a day in my life. So without further ado, like and subscribe and let's get started. So I'm finally back from the 10 days trip to my nanny's home and अब मेरे को अपनी पढ़ाई दोबारा से start करनी पड़ेगी because वहाँ पर इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई थी. तो आज धीरे धीरे करके शुरू करेंगे. तो अभी सबसे पहले आज की टू डू लिस्ट बनाते हैं एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव टू कंप्लीट टुडे. तो आज की टू डू लिस्ट इतनी ज़्यादा हैवी नहीं होगी. हैवी का मतलब ऐसी सारी चीज़ें नहीं होंगी जो कुछ ज़्यादा दिमाग पे जोर डालें, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने इतना ज़्यादा इंटेंस पढ़ाई नहीं की है. तो आज की टू डू लिस्ट इसीलिए हल्की फुल्की सी है. सो नाउ आई एम स्टार्टिंग माई डे विद बायोलॉजी. सो द चैप्टर आई एम गोना डू एज द फर्स्ट थिंग ऑन आर टू डू लिस्ट विच इज़ द लिविंग वर्ल्ड. तो इस चैप्टर को मैं एनसीईआरटी से रीड करने जा रही हूँ क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाते हैं एक या दो. दिस चैप्टर इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट फिर भी जहाँ से एक भी क्वेश्चन आता है वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं. तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं. तो मैं अपने नानी के यहाँ नियरली 10 डेज़ के लिए गई थी. वैसे तो मैं गई इसीलिए थी क्योंकि मेरे को अपना माइंड थोड़ा हल्का करना था एंड बहुत टाइम से मैं कहीं पे गई नहीं थी. तो कुछ ज़्यादा पढ़ पढ़ के दिमाग का पूरा कचरा हो गया था. तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं एंड जाते हैं. एंड उसी में फैमिली फंक्शंस भी थे एंड उस जगह पे ना नेट इतना ज़्यादा नहीं चलता. लाइक थोड़ा गांव का एरिया है तो वहाँ पे इतना ज़्यादा नेट नहीं चलता. पर फिर भी हमने सोचा था कि एयरटेल फाइबर लगवाने को, बट उन्होंने बोला कि 10 डेज़ मिनिमम लगेंगे उसको लगवाने के लिए. तो इसलिए वहाँ पे अपने पास वाईफाई भी नहीं था तो मैं इतने ज़्यादा अपने क्लासेस नहीं कर पाई. तो इसलिए बैकलॉग है थोड़ा बहुत. तो मेरे को अभी अपने रेगुलर क्लासेस के साथ अपना वो जो बचा हुआ बैकलॉग है वो भी कम्प्लीट करना है एंड देन मेरे को अपनी रिविजन भी स्टार्ट करनी है. सो आई एम फाइनली डन विद द चैप्टर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड. तो मैंने इसको अपने एनसीईआरटी मैप से एंड एनसीईआरटी दोनों से रीड कर लिया है. तो अब जब हमारे ये चैप्टर हो गया है तो अब हम इसको अपने टू डू लिस्ट पे भी मार्क कर देते हैं. सो लेट्स जस्ट टिक दिस थिंग. सो वी आर डन विद द लिविंग वर्ल्ड एंड नाउ आई एम गोइंग टू हैव माई ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट आई एम गोइंग टू डू केमिस्ट्री लेक्चर. सो आई मीट यू गाइज आफ्टर दैट. So right now I'm going to do chemistry. So I'm going to attend the lecture number 1 of Hello Alkanes and Hello Arenes, which is the second thing on our to-do list. तो इसके पहले जो hydrocarbons का chapter हुआ है वो मेरा backlog में है क्योंकि उस time पर मैं trip पर चली गई थी तो इसलिए मेरा वो नहीं हुआ है. तो अभी इसका lecture number 1 attend करते हैं. So for this I'm going to attend the lecture and I'm going to write roughly क्योंकि मैं lecture notes का print निकालने वाली हूँ. So let's just start it. So now it's time to solve some questions. So for question solving I am going to use Memoneet app because Memoneet contain 100% NCERT based question and 3000 plus assertion and reasoning question. तो मैं diversity unit का the living world का questions करने जा रही हूँ. So जैसे कि पहला question ऐसे है, Dasha collectively known as 10 characteristic of growth. So इसमें आपको 4 options दिए जाते हैं जैसा कि आपको NEET के exam में भी दिया जाता है. So इसमें से आपको जो ऑप्शन सही लगता है, तो मेरे को लगता है कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल इसका करेक्ट आंसर होगा. तो मैं इसको सेलेक्ट करके चेक पे करूंगी एंड देन दिस क्वेश्चन इज करेक्ट. तो इसमें एक क्वेश्चन के बाद ही उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है पूरा. तो अगर कभी कभार हम लोग गेस लेते हैं किसी क्वेश्चन में तो उसको आप देख सकते हो. एंड देर इज ऑल्सो एनसीईआरटी पेज नंबर गिवन कि ये वाला टॉपिक एनसीईआरटी के कौन से पेज पे है. सो ये तो हो गया कि जब कोई क्वेश्चन सही होता है तब क्या होता है. अब हम देखेंगे कि अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तब क्या होता है. सो ये क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रोड्यूस, इसका आंसर वर्कर भी है बट वे गना डू ऑल ऑफ द वर्ब या फिर ड्रोन कुछ भी जो भी गलत हो. तो जब आपका क्वेश्चन गलत होता है तो ये बताता है कि ये गलत है एंड देर इज एन एक्सप्लेनेशन एंड एनसीईआरटी रेफरेंस अवेलेबल. तो आप सही आंसर देख सकते हो एंड उसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो. द केमिस्ट्री हैज टू सेक्शन, फिजिकल केमिस्ट्री फार्मूला एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेम रिएक्शन. दिस सेक्शन जस्ट मेक्स लर्निंग फार्मूला मोर फन एंड इंटरैक्टिव.
So the same type of formula section is also available for physics. So physics section also has video lecture on all the important topic, and you can find 30 years plus previous year question with the video solution. Memoneet also has an IRP technology in which you will solve the same question on day 1, 3rd and 5th, which help you retain concept for the longer duration of time. So Memoneet also have 100% NCRT based test series. You can solve subject wise, unit wise, full length test series for unlimited number of time. So if you want to purchase their subscription or purchase test series, you can use my code STUDY300 to get extra 300 rupees off on your subscription. The link is available in the description, so do check it out. So we are done with chemistry lecture and questions. So right now we are just left with one thing on our to-do list. तो मैं अभी anatomy of flowering plants करने जा रही हूँ. वैसे तो मैंने सोचा था इसको मैं NCERT से करूँगी, but right now I'm going to do this chapter from my NCERT. तो वैसे तो मैं इस chapter के उम्मीद batch के notes देख रही थी, like a lecture देख रही थी. तो इस chapter के दो lecture है, उसमें part 1 and part 2. तो part 1 का मैंने देख लिया है जाने के पहले, पर मैंने सोचा था कि आज मैं उसी को रिवाइज करूँगी. पर अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है एनसीईआरटी उठाने का या फिर लेक्चर नोट्स देखने का, तो इसलिए मैंने सोचा कि एनसीईआरटी मैप से ही कर लेते हैं. सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू डू दिस चैप्टर फ्रॉम हियर, सो लेट्स स्टार्ट इट. A lot of you guys told me to upload daily because you find study motivation in my videos. Like, I'm really glad that you find my videos motivating and it is helping you in some way. But uploading daily is something which I can't do because I'm also a student and I'm also preparing for competitive exam. To daily upload karna mere liye to itna zyada possible nahi ho payega, but I try to stay consistent. Like, main ye koshish karti hu ki every 3 days pe ek video ya fir every 5 days pe one video to main upload kar dun. But you know, studies are my first priority and YouTube comes second, so isiliye main pehle apni studies karti hu and then I see YouTube. So I hope you understand. So pretty much that's it for today's video, and I hope you guys liked it. If you did, don't forget to like and subscribe, and I'll see you guys in my next video. Till then, take care. I love you guys so much. Bye guys.